डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग में हमने कौन सी लेवलिंग कवर अप कर ली थी लास्ट लेक्चर में? फर्स्ट टेस्ट ऑफ सिंपल लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग आपको मैंने बता दिया था, जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं होता, जो आपका डंपी लेवल होता है वो कोई शिफ्ट नहीं होता, वो टाइप ऑफ लेवलिंग क्या कहलाती है, सिंपल लेवलिंग। डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, ये जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। उसके बाद कंपाउंड लेवलिंग, ये भी उस तरह की लेवलिंग होती है जिसके अंदर स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होता है, जिसके अंदर हमें अपना डंपी लेवल, अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना पड़ता है, नंबर ऑफ शिफ्टिंग देनी पड़ती है, क्योंकि हमारा स्कोप ऑफ वर्क काफी लार्ज होता है। तो इस केस की लेवलिंग डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, सारी थ्योरीज की कंपाउंड लेवलिंग की। उसके बाद नेक्स्ट जो सी हमने नेक्स्ट थ्योरी पढ़ी थी रेसिप्रोकल लेवलिंग की। ये लेवलिंग कहाँ यूज होती है? ज्यादातर जहाँ पे कोई बीच में बहुत वाइड ऑब्स्ट्रक्शन हो, बहुत चौड़ी ऑब्स्ट्रक्शन हो। अगर आप लेवलिंग कर रहे हो तो इन बिटवीन आपके बहुत वाइड, बहुत चौड़ी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, जैसे कोई रिवर वगैरह, जिसके इंटरमीडिएट आप अपना लेवल, इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल सेट नहीं कर सकते। तो उस केस की लेवलिंग में हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के थ्रू लेवलिंग परफॉर्म करते हैं। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में सारा डिस्कस कर लिया था, इसका फॉर्मूला निकाला था जिससे हम लेवल डिफरेंस निकालते हैं। नेक्स्ट आगे लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, मेन इसको, ये जो मेन लेवलिंग जो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, वो होती है प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग के आगे दो पार्ट आ जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। यहाँ कभी कभी बुक्स में लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग को ही प्रोफाइल लेवलिंग लिखा जाता है, आपकी बुक में भी यही किया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग को प्रोफाइल लेवलिंग लिखा हुआ है। तो लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, ये होती है जनरली इन केस ऑफ रोड्स, या कोई भी चीज जो कि लेंथ में एक्सपेंड कर रही है, जैसे रोड्स होगी, कैनाल्स होगी, कैनाल्स जैसे, उसके बाद आपके कलवर्ट हो गया, या उसके बाद कोई रेलवे ट्रैक हो गया। तो ऐसी चीजें जो कि लेंथ में बढ़ती हैं, लंबाई में इंक्रीज होती हैं, उन चीजों पे जब हम लेवलिंग परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए जिस मेथड, जिस टाइप की लेवलिंग उनके ऊपर परफॉर्म करी जाती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। तो लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैसे करनी है, आपने सारा डिटेल में हमने पढ़ लिया था कैसे ये सारा इसका ग्राफ बनता है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बनता है जो लेंथ वाइज प्रोफाइल होता है रोड का, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस या रोड का। तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। जो हमने आज नई लेवलिंग शुरू करनी है वो है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ये हमारा लेवलिंग का लगभग लगभग लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का। तो आज हमारे पास दो पीरियड भी हैं, हम इसको कोशिश करेंगे सारा चैप्टर कंप्लीट कर लें। तो अब जो नेक्स्ट टाइप की लेवलिंग है वो है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। देखो मैंने आपको पहले बताया था प्रोफाइल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग के दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग और दूसरी टाइप होती है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग वो लेवलिंग होती है जिसके अंदर हम लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बनाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेंथ वाइज एग्जिस्टिंग रोड या ग्राउंड सरफेस का लेंथ वाइज ग्राफ बनाते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। अब जो लेवलिंग हम आज डिस्कस करेंगे ये कौन सी लेवलिंग है? ये है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग क्या होती है? क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन काटना, मतलब सेक्शन काटना। अगर आपके पास कोई रोड है, जैसे आपको ये फिगर दिख रही है सबको, ये फिगर लेफ्ट वाली फिगर दिख रही है सबको, ये फिगर विजिबल है लेफ्ट साइड वाली। यस सर। अब देखो सपोज कर लो कोई रोड है, जैसे मैंने ये पेंसिल से मार्क किया, बुक में नहीं मार्क था ताकि मैंने मार्क किया आपको पता लग जाए, ये रोड है। अगर ये रोड इस तरीके से लेंथ वाइज बढ़ रही है, लेंथ में बढ़ रही है, तो हमने अगर ये जो है ये सेंटर लाइन ऑफ द रोड है, हम ऊपर से देख रहे हैं रोड को, रोड का प्लान बना रहे हैं, ये रोड है पूरी, ये रोड की विड्थ है और ये लेंथ, इसकी लेंथ में प्रोजेक्ट हो रही है, ये एरो का मतलब इसमें लेंथ वाइज इंक्रीज हो रही है, ये उसके सेंटर में जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल वाइज उसकी लेंथ वाइज जो ऊपर से हम प्लान में अगर सेंटर लाइन देखें तो ये उसकी सेंटर लाइन है। अब इस सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब सेक्शन काट रहे हैं रोड के, अगर आप रोड के सामने खड़े हो जो इधर, तो सामने से जो आपको दिखता है वो चीज अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर दें, क्रॉस सेक्शन उसे बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। अगर आपकी ये रोड है, रोड लेंथ वाइज प्रोजेक्ट हो रही है, अगर आप इस सेंटर लाइन पे, ये जो सेंटर में बिल्कुल लाइन लगी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इस सेंटर के अलोंग आप लेवलिंग करो, सारा इस सेंटर का प्रोफाइल बनाओ, तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। अगर आप इस सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर प्रोफाइल बनाओ, मतलब सेक्शन में, जैसे एक लाइन ये रही सेक्शन में, दूसरी लाइन ये रही सेक्शन में, तीसरी लाइन ये रही सेक्शन में, चौथी लाइन ये रही सेक्शन में, तो इन सब प्रोफाइल्स को, इन सब क्रॉस सेक्शंस को रोड के ग्राफ के ऊपर शो करना, मतलब उसका प्रोफाइल बनाना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग होती है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि लेंथ वाइज के जौन सी रोड्स हैं या कनाल है या रेलवे ट्रैक, कुछ भी, जो कोई भी चीज जो कि लेंथ में प्रोजेक्ट हो रही है, उसकी लेंथ वाइज हमने सारी उसकी जो प्लॉटिंग करनी पेपर के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बनाते हुए, मतलब सेंटर लाइन जौन सी लेनी है उस केस में लेंथ वाइज लेनी है। पर क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग में लेंथ जो सेंटर लाइन होती है जो प्लान में दिख रही है, उसका हम परपेंडिकुलर जो लाइन मारते हैं क्रॉस सेक्शन में,
जो सेक्शन में जो लाइन दिख रही है, अगर आप इन सेक्शन लाइंस के अलोंग सारे प्रोफाइल प्लॉट करो रोड के, मतलब प्रोफाइल प्लॉट करने का मतलब ग्राफ बनाओ, ये सेक्शन लाइन, जैसे ये एक सेक्शन लाइन है, ये सेक्शन लाइन पे रोड एक्चुअली कैसी है, या नेचुरल सरफेस जिसके ऊपर रोड बनानी है वो कैसी है, अगर आप इस लाइन के अलोंग बनाओ, फिर उसके बाद इस लाइन के अलोंग बनाओ, इस लाइन के अलोंग बनाओ, इस लाइन के अलोंग बनाओ, तो ये लाइन जो सी है ये सेक्शनल लाइन है, मतलब ये क्रॉस सेक्शन है। तो इस टाइप की लेवलिंग को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, जो कि ये वाली लेवलिंग है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। क्लियर है? प्रोफाइल है दोनों ही प्रोफाइल लेवलिंग, मतलब प्रोफाइल मतलब हमने ग्राफ बनाना है, प्रोफाइल मतलब एग्जिस्टिंग सरफेस या प्रपोज्ड सरफेस कैसी है उसको हमने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, उस चीज को बोलते हैं प्रोफाइलिंग करना। तो अब हम प्रोफाइल लेवलिंग में एक लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, और जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो होती है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। अब क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग देखो, ये सारी बुक में थ्योरी लिखी हुई है, ये मैं आपको हिंदी पंजाबी में समझा देता हूँ क्या है, आपने पेपर में अपनी लैंग्वेज में लिख देनी है, हम डायग्राम से इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, देखो स्टूडेंट बेसिकली देखो, सबसे पहले कोई भी रोड है आपके पास, ये रोड है, आपने क्या करना है, रोड की सेंटर लाइन के, अगर आपने ये प्लान है ऊपर से दिख रहा है, मतलब ये सेक्शन, ये प्लान अगर हम रोड को ऊपर से देखें तो ऐसी रोड, इसके ऊपर ये जो मार्किंग्स की हुई है ये हमने करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोड के सेंटर में लाइन मार देंगे सेंटर में लाइन इन द सेंस निशान लगाना है, पक्का निशान, तो ये लाइन लग जाएगी, ये लेंथ वाइज सेंटर लाइन है, मतलब ये प्लान में लेंथ में लगी हुई है सेंटर में। फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन पे, ये जो सेंटर लाइन है इसके ऊपर बराबर डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगा लेंगे। जैसे देखो ये पॉइंट है एक, सबको दिख रहा है, इसके नीचे क्या लिखा है, 10 मीटर लिखा है, 10 मीटर लिखा हुआ है, ये सबको दिख रहा है ये पॉइंट। हाँ जी सर। यस सर। ये पॉइंट जिसके ऊपर 10 मीटर लिखा है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ पे ये लिखा 15 मीटर, दोनों में फर्क कितना, 5 मीटर का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 20 मीटर, दोनों में फर्क कितना, 5 मीटर का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 25 मीटर, सारे पॉइंटों में फर्क कितना है, बराबर डिस्टेंस का, 5-5 मीटर का, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। ये कोई जरूरी नहीं है आपने 5-5 मीटर पर ही लगाना है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे भी नेचुरल कंडीशन है, जैसे भी रोड सर्फेस है, आप उस हिसाब से जैसे आपकी एक्यूरेसी आपको रिक्वायर्ड है, जितनी आप डिटेलिंग करना चाहते हो कर सकते हो, पास पास लोगे ज्यादा डिटेलिंग करनी पड़ेगी, तो 5-5 मीटर पे सफिशियंट है। 10 मीटर पे लगा लिया, 15 पे लगा लिया, 20 पे लगा लिया और 25 पे लगा लिया। सबसे पहले हमने सेंटर लाइन के अलोंग इस केस में, ये जो एग्जांपल दिया बुक में, इसके अंदर 5-5 मीटर पे निशान लगा लिए सेंटर लाइन के ऊपर, जो कि लेंथ वाइज इंक्रीज हो रही है। फिर हमने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट पकड़ना है 10 मीटर वाला। अब हमने क्या करना है, इस 10 मीटर वाले पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करना है, ये जो लाइन है, ये जो सेक्शन लाइन है, ये सबको दिख रही है फर्स्ट लाइन सेक्शन लाइन, ये वाली, ये जो लाइन है, ये जो लेंथ वाइज सेंटर लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो सेंटर लाइन लगी हुई है इसके परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली। और ये अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमारी जो सेंटर लाइन है और ये पॉइंट है 10 मीटर वाला, इस पॉइंट के ऊपर सेंटर लाइन के ऊपर 90 डिग्री थ्रो करना है, ताकि हम ये परपेंडिकुलर लाइन मार सकें क्रॉस सेक्शनल में, क्रॉस सेक्शनल लाइन ये बना सकें। तो ये कैसे करोगे, जैसे आपको शुरू में सिखाया था, जिस मर्जी मेथड से कर लो, 3-4-5 मेथड, जैसे हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं चेन सर्वेइंग के अंदर, चाहे वो 3-4-5 मेथड से कर लो, चाहे आप कोई क्रॉस स्टाफ यूज कर लो, कोई चाहे कोई मर्जी इंस्ट्रूमेंट, चाहे ऑप्टिकल स्क्वायर यूज कर लो, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप क्या करोगे, इस सेंटर लाइन जो ये लेंथ में सेंटर वाइज सेंटर वाली जो सेंटर लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन मार दोगे, ताकि आपको ये वाली लाइन मिल जाए क्रॉस सेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन। क्लियर है ये? इसी तरीके से जो 15 मीटर वाला पॉइंट है, इस 15 मीटर वाले पॉइंट पे भी आपने 90 डिग्री बनाना है, जैसे मर्जी बनाओ, चाहे टेप है तो 3-4-5 मेथड, कोई और इंस्ट्रूमेंट है, आप अभी तक आपने क्रॉस स्टाफ ही पढ़े हैं तो क्रॉस स्टाफ से भी लगा सकते हो, या आप अपना ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर जो भी यूज करके ये 90 डिग्री की लाइन मार सकते हो। इसी तरीके से 20 मीटर वाले पॉइंट पे भी आपने ये 90 डिग्री की लाइन मार देनी है, जिस मर्जी इंस्ट्रूमेंट से, ये आपके पास ये लाइन लग जाएगी। उसके बाद 25 मीटर वाले पॉइंट पे भी आपने ये लाइन मार देनी है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, हैंडी इंस्ट्रूमेंट जो भी अभी पास आपके पास है, आप उससे कर सकते हो। अब क्या करना है, अब आपके पास ये लाइन लग गई, ये लाइन्स, अब इन लाइन्स के ऊपर भी आपने क्या करना है, निशान लगाने हैं, पॉइंट लगाने। अब इन लाइन्स के ऊपर आपने बराबर डिस्टेंस पे पॉइंट लगाने हैं, डिपेंड करता है कि आपकी विड्थ कितनी है, जैसे रोड है, रोड की विड्थ कितनी है, जितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए या जितनी विड्थ है उस हिसाब से आपने डिसाइड कर लेना है। ये जो डायग्राम है इसके अंदर 5-5 मीटर पे लगाए गए हैं, जैसे ये देखो, ये 10 मीटर वाला पॉइंट है, ये 10 मीटर वाला पॉइंट दिख रहा है सबको सर, 10 मीटर सर, किस किस पॉइंट तो सर मेजर किया था, ये पीछे से लाइन आ रही है,
चाहे आप इसको जीरो भी ले सकते हो, 0, 5, 10, 15 जो मर्जी ले लो, पीछे से लाइन है एक्सटेंड।